नाजिन ग्रो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जो इस वक्त हस्ती खड़ी है पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर अगर मैं इनको कहूँ तो ये बिल्कुल गलत ना होगा, मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली मोरू साहब। मोरू भाई, हमारा चैनल ग्रो पाकिस्तान सक्सेस स्टोरीज कवर करता है, आप इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की। मुझे आप ये बताएं कि आपकी जर्नी किस तरह रही यूट्यूब की फ्रॉम द स्टार्ट टिल नाउ। यार, मुझे कहानियाँ सुनानी थी और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मुझे जिस तरह की कहानी मैंने सुनानी है उससे रोक सके। आज़ाद प्लेटफॉर्म था और मैं टीवी के लिए कमर्शियल्स बनाता था, पैसे सेव करके यूट्यूब पे कोई वीडियो बना के रिलीज़ कर देता था। तो मेरी जर्नी ऐसी रही है कि कहानी सुनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला, शुक्र है मैं इस ज़माने में पैदा हुआ हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट भी करता है। तो मतलब एक खुश मतलब लकी स्टोरी है। मुरू भाई, कंटेंट में कितना जान कितनी जान होनी चाहिए पाकिस्तान में यूट्यूब में अपना नाम कमाने के लिए? आप समझते हैं कि ग्राफिक्स मैटर करते हैं या कंटेंट जो है वीडियो का वो ज़्यादा मैटर करता है? यार, हर किसी की अपनी होती है। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो खाली ग्राफिक्स में ही फोकस करते हैं, जिस तरह शेरम की स्केचबुक है वो सारा के सारा आर्ट और उसकी एनिमेशन पर बेस्ड है। तो हर कोई अपनी कला को चूज़ करता है कि उसके अंदर क्या चीज़ें बेहतर हैं, क्या चीज़ें कम है। मैं मिसाल के तौर पर ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा फेवरेट यूट्यूबर जो है वो शेरम की स्केचबुक है, वो ड्रॉ कर सकता है। तो मतलब मैं अब ड्रॉ करने उसकी तरह बन तो नहीं सकता ना, तो मैं यही देखूंगा कि मेरे में क्या चीज़ है जो मैं इस्तेमाल करके एक्सप्लॉयट कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को सोचा कि यार, मैं इस तरह एक्सप्लॉयट कर सकता हूँ, मुझे कैमरा चलाना आता है, मुझे लाइटिंग करनी आती है वगैरह। तो जो आपकी प्रोज होते हैं ना, आप उसको कैपिटलाइज करके एक चैनल बनाएं और जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उसको पकड़ के आगे दें, लोगों के सामने प्रेजेंट करें। आखिर में मोरू भाई, जितने भी हमारे स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स हैं बहुत जो है मायूस हो जाते हैं जब सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार, सब्सक्राइबर्स के ना आने से मायूस तो बंदा होता है, मैं भी होता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन इसका ये है कि आपने अपने आप का जज बनना है, आपको कोई ऑडियंस नहीं जज कर रही। आपको अगर लगा कि आपने कोई चीज़ ऐसी बनाई है जो अच्छे मेयार की है, जिसमें कोई मज़ेदार आपने ऐसी बात की है जो आपको लगता है सोसाइटी में कोई और नहीं कर रहा और खाली आप ही कर सकते हैं, आपने एक यूनिक चीज़ बनानी है जो कोई और ना कर पाए, तो अगर आप उस चीज़ पर फोकस करें कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये कोई और नहीं कर सकता, तो बेहतरीन हो जाएगा। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे मोरू साहब, और अगर आप लोग भी YouTube पे सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जो मोरू हैं इनकी जितनी भी आप हिदायत हैं इन पर अमल करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। मैं हूं मोहित राशिद भट्ट और आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आइडिया विजन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।